डायवर्जन की बकाया राशि जमा नहीं करने वालों की संपत्ति कुर्क करें, नक्शा तरमीम समग्र ईकेवाईसी, नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों के निराकरण में भी तेजी लाएं, यह निर्देश संभागायुक्त दीपक सिंह ने राजस्व समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में जिले की सभी राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गयी। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर जिला राजस्व प्रकरण के निराकरण के मामले में प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ है। रैंकिंग में इंदौर 40वें स्थान से नीचे है। यही कारण है कि संभागायुक्त दीपक सिंह ने गुरुवार को राजस्व की समीक्षा बैठक की। बैठक में संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी राजस्व प्रकरण निर्धारित समय सीमा में निराकृत हो, लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में निर्देश दिए कि डायवर्जन की बकाया राशि जमा नहीं करने वालों की संपत्ति कुर्क की जाए। उन्होंने नक्शा तरमीम समग्र ईकेवाईसी, नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। यहाँ पर जो राजस्व अधिकारियों के द्वारा राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाता है, उनके बारे में हमने आज जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनसे बात की है। तो मैंने सामान्य तौर पर देखा है कि यहाँ राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जा रहा है। कुछ न्यायालयों में कार्य सुधार की आवश्यकता है तो उनको बताया गया है और प्रयास ये रहेगा कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण हम समय सीमा में अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालय से कराएं। देखिए, निर्वाचन की जो आचार संहिता है उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे, लेकिन जो राजस्व न्यायालयीन कार्य है वो तो एक रूटीन का न्यायालयीन कार्य है, वो तो किया जाएगा। बैठक में दीपक सिंह ने राजस्व न्यायालयवार प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई जाए, डायवर्जन राशि के सभी बकायादारों को नोटिस तामील हो यह सुनिश्चित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।